हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव डिजिटल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अपना ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करें। ड्राइविंग लाइसेंस अब बनवाना बहुत ही आसान हो चुका है फ्रेंड्स, तो अब ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो चलिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं देव डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी नए अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं अपना कोई भी मोबाइल का, या आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ये मेरा मोबाइल ही है, तो मैं अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, मैं अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लिया हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मैं अब डायरेक्टली अपने सिंपली ब्राउजर में गूगल पे सर्च करता हूँ MP ट्रांसपोर्ट। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा MP। mptransport.org। तो फ्रेंड्स, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। और आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होगा फ्रेंड्स। तो आपको यहां से जाके डेस्कटॉप साइट कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं और इजी रहता है। आप अपने मोबाइल से डायरेक्टली यहां पे जब 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको डेस्कटॉप साइट मिल जाएगी। तो आपको यहां आने के बाद फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जाना है ऑनलाइन सर्विस पे। ऑनलाइन सर्विस जाने के बाद आपको यहाँ सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिखेगा लाइसेंस एप्लीकेशन एंड अपॉइंटमेंट सिस्टम। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है, फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो ये देख लीजिए, ई गवर्नमेंट की वो है साइड है। तो आप यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आपके एप्लीकेशन करने के लिए सबसे ऊपर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अपॉइंटमेंट सिस्टम लिखा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ देख पा रहे होंगे न्यू का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको यहाँ सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का कोई काम नहीं है अभी। अभी आपको सेकंड नंबर काम पड़ेगा, लेकिन अभी काम नहीं है। तो आप सिंपली न्यू पे क्लिक कीजिए, और न्यू पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह का ओपन होने के बाद आपको पहले सेलेक्ट RTO, आपको RTO सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा रीवा RTO है, तो मैं अपना रीवा RTO सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ रीवा RTO सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको सिंपली अपना यहाँ पे नाम लिखना है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे नाम लिख देना है अपना, और सेकंड नेम अपना, यहाँ लास्ट पे नाम लिख देना है, लास्ट नाम जो हो भी आपको हो। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और फिर आपको सिंपली इसमें ये जो रिलेशनशिप टाइप है, तो इसमें आपको अगर कोई रिलेशनशिप टाइप है तो कर दीजिए, मैं एन कर देता हूँ, ना कर दे रहा हूँ। एंड इस पर आपको फादर नेम आपको अपना डालना है, तो मैं फादर नेम डाल देता हूँ। और आपको यहाँ से फादर लास्ट नेम डाल देना है, तो लास्ट नेम डाल दे रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं फॉर्म को फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम डाल दिया हूँ और सब कुछ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, सेकंड नंबर पे क्वालिफिकेशन डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर अगर आपको ब्लड ग्रुप पता हो तो डाल दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। फिर फीस अमाउंट जो है तो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो और यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह वगैरह। और उसके बाद आपको सबसे मेन जो बात है, तो आपको सिंपली यहाँ पे आप कौन सी गाड़ी का बनवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ मोटरसाइकिल विद गियर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। और बाकी सबसे इसमें जो मेन खासियत बात है इस ऑनलाइन आवेदन का, तो आप यहाँ से अपना डेट टाइम, जिस दिन आपको एक यहाँ पे एक टेस्ट देने जाना पड़ेगा कि आपसे गाड़ी बनती है या नहीं बनती है, टेस्ट देने तो जाना पड़ता है RTO में। तो आपको सिंपली यहाँ पे आप डेट टाइम सब कुछ फिक्स करते हैं कर सकते हैं। तो जैसे मैं 2 जून को कर लेता हूँ, 2/6/2018। तो मैं कितने बजे जाऊँगा, मैं कर लेता हूँ 12:40 से 1:20 तक। तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। आपको अगर जो भी टाइम सेलेक्ट करना है तो टाइम सेलेक्ट कर ले सकते हैं, 11:00 से 11:40 तक। 40 मिनट का आपको टेस्ट होता है वहाँ, तो आप ये कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक अच्छी तरह से एक बार और चेक कर लें। आपके यहाँ पे फीस बता दी है, अमाउंट फीस 150 रुपये लगने वाला है आपका।
150 रुपये में आपको यहाँ पे 150 रुपये लगेगा, तो यहाँ पे बता दिया है। तो अप्लाई लर्निंग लाइसेंस पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्या बता रहा है, ब्लड ग्रुप। तो एक मिनट फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप में सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, ये सबसे मेन था आपको मार्क्स, जो भी आपके शरीर पे कोई भी मार्क है, जैसे स्कैन ऑफ फेस, स्कार ऑफ फेस, जैसे कोई भी तिल वगैरह वगैरह है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मेरा कुछ नहीं है मेरे, तो मैं नोन कर देता हूँ। और अब आपको अप्लाई लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक कर देना है। यू आर करेक्ट, यस करेक्ट। अभी देखिए सेविंग हो रहा है, एक प्रकार के ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट जैसे सेविंग होता है। अभी सेविंग हो रहा है, चेकिंग करेगा, उसके बाद सेविंग हो रहा है। तो थोड़ी देर सेविंग हो जाने देते हैं इसको, जब तक सेव हो रहा है तो वेट कर लेते हैं। तो स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा पूरा रेफरल नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ आ चुका है फ्रेंड्स। रिवार्टियो द्वारा मैं अपॉइंटमेंट लिया हूँ 12:40 से 1:20 तक। ट्रांजिस्टर टाइप फ्रेश है एंड नेम सब कुछ बता रहा है आपका। एंड सेकंड नंबर, ये आपका एप्लीकेशन फीस 200 रुपये लग रहा है, 74 रुपये ये लग रहा है कॉन्सिनर चार्ज। तो आपका पूरा पड़ जा रहा है 274 रुपये। तो आपको 274 रुपये में ही बना बनेगा ट्रांजेक्शन आईडी। अब आप यहाँ से कर सकते हैं मैं पेमेंट, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एमपी ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर एमपी ऑनलाइन आपका रजिस्टर तो नहीं होगा, तो आप सिंपली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक कीजिए और मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। और आपको सिंपली बस अभी आप यहाँ पे मेक पेमेंट पेमेंट करना होगा। तो मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना है, मुझे लाइसेंस नहीं बनवाना है, तो इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। और एक तरह एक बार और चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद सिंपली आपको फिर से जाना पड़ेगा गो टू होम, इसी वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा फिर से। फिर जो आपका डुप्लीकेट लॉस्ट है जो दिख रहा है सेकंड नंबर पे ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होगा। और फिर लाइसेंस नंबर जो आपको मिलेगा वहाँ से एक ठो, उसको लाइसेंस नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ, और फिर अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद आपको 15 से 20 दिन 1 महीने के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही सिंपली ये कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दें, और हमारी नई और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देखने के लिए उसके बगल में घंटे का बटन आएगा, उसे बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और फ्रेंड्स एक बात और है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको हमारे अबाउट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का ऑप्शन, और आप वहां से डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डायरेक्ट ज्वाइन होना है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए, बाकी नेटवर्क तो है बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया है।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे अबाउट सेक्शन में आने के बाद आपको कुछ इस तरह का मेरा डिस्क्रिप्शन पूरा दिख जाता है। और डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, फॉर बिजनेस क्वेरी ईमेल दिया है, तो आप बिजनेस इंक्वायरी के लिए कुछ भी यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे ईमेल पे अपना नाम और जो भी आपको जॉब चाहिए तो बिजनेस के बारे में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा गूगल प्लस लिंक दिया है जो कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक लाइक कर सकते हैं, वेबसाइट मेरा है तो आप वेबसाइट पर भी डायरेक्टली जा सकते हैं, ट्विटर है, शेयर चैट है। और सबसे खास बात जो मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में बताया हूँ, तो आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर इसको आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम फ्रेंड्स। और अगर हमारे वीडियो में कोई भी दिक्कत है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।